यहाँ पे धरना जो चल रहा है राष्ट्रव्यापी एक दिवसीय धरना जो चल रहा है भारत मुक्ति मोर्चा एवं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हजरत सज्जाद नुमानी साहब के समर्थन में देश भर में 50 जिलों पर ये एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी धरना आंदोलन चल रहा है। यहाँ पे बड़े पैमाने पर हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जो SC ST OBC मुस्लिम कम्युनिटी से है वो यहाँ पे जुड़ चुकी है और बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। अभी बहुत सारी महिलाएं हमारी नमाज खो गई है, बहुत सारे मुस्लिम भाई हमारे नमाज खो गए हैं। ये यहाँ पे आकर हजरत सज्जाद नुमानी साहब के समर्थन में धरना आंदोलन दे रहे हैं और यहाँ पे हमारी एक महिला भगिनी ये नुमानी साहब के संदर्भ में समर्थन में बात रखे हुए शक्ति आहे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर म्हणायचे 50 पुरुष जर लागले असतील तर 50 स्त्रिया उपस्थित असतील तरच आपण आज संपूर्ण आपल्याला जे अधिकार आहे ते आपण मांडू शकतो असं डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांचे म्हणून माझं असं म्हणणं आहे की ज्या स्त्रिया अजूनही मागासलेल्या विचारांच्या असतील त्यांनी आपले मागासलेले विचार सोडणं गरजेचं आहे। आपण कोणत्याही युगात आहो 1800 काळामध्ये जिजा माता सावित्री माता यांनी एवढे मोठे महान कार्य केलेलं आहे आणि आपण कुठे आहोत तर मला तर वाटेल की मला लाज वाटते त्या गोष्टींची। आज आपण त्या काळात असताना त्या महिला आपण काहीही करत नाहीये, काहीही नाही। स्वतःच्या मनाला प्रश्न विचारा स्त्रियांनो, माता भगिनींनो प्रश्न विचारा की आपण काय करतोय समाजासाठी, काय करतोय। मला वाटतं की काहीच करत नाही आपण त्यांच्या मनात करतोय का। तुम्ही स्वतःच्या मनाला प्रश्न विचारू शकता। जिजामातांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना आणि स्वतःचा नातू संभाजी महाराजांना कशा पद्धतीने घडवलं, कशा पद्धतीने संस्कार दिले आणि आपल्या मुलांना काय देतो आपण संस्कार। या देवाला पूजा, त्या देवाला पूजा आपला कुदण्याचा धर्म नाहीये, आपला क्रांती घडवण्याचा धर्म आहे आणि तो आपण केलाच पाहिजे आणि आपण त्याला पाठिंबा देणं गरजेचं आहे। आणि म्हणून इतिहास म्हटलं जातं की जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना इतिहास नहीं बना सकती है। और अगर हम इतिहास से सबक नहीं सीखते तो इतिहास हमें सबक सिखाता है। म्हणून प्रत्येकाने इतिहास जो आहे तो आपल्या मुलांना लहानपणापासून तुम्ही घरातून प्रशिक्षण देऊ शकता विद्यार्थ्यांना आणि शाळेत दिले जात असेल किंवा नसेल त्याबद्दल आपण काहीही सांगू शकत नाही। परंतु मी एक सुद्धा टीचर आहे, मी टीचर या नात्याने माझ्या वर्गातल्या मुलांना माझ्या मुलांना मी असं शिक्षण देते की इतिहास काय होता, इतिहास काय होता। बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं, हमारे बहनें यहाँ पे जुड़ रही है और हजरत सज्जाद नुमानी साहब के समर्थन में बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे बड़े तादाद में आ रहे हैं। इतिहास जर सांगायचा असेल माता भगिनींनो आपल्या मुलांना तर सत्य इतिहास मांडा। चुकीचा आणि खोटा इतिहास विद्यार्थ्यांना मुलांना शिकवू नका, जेणेकरून तुमचे मुलं जो इतिहास जाणतील तो पुढे ते देखील संघर्ष करायला तयार असतील। माता सावित्रीबाई फुलेंनी कशा पद्धतीने संघर्ष आपल्या जीवनात केलेला होता, त्यांनी कशा परिस्थितींना तोंड दिलेले होते। अरे त्यांना तर कोणत्याही गोष्टीचा अधिकार माझे मत मांडू शकले नसते। साथियों यहाँ पे बहुत सी हमारी मुस्लिम महिलाएं बहनें यहाँ पे बहुत तबके में आ चुकी है, आ रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं और यहाँ पे वो लगातार आ रही है और ये बहुत बड़ी बात है। पिछले हफ्ते में यहाँ पे 3 तलाक के संदर्भ में बहुत बड़ा एक मोर्चा निकला था। जो हालात इस देश में चल रहे हैं वहाँ पे हमारी मुस्लिम बहनों का जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है ये कारीफ काबिल है। यहाँ पे हमारी एक बहन यहाँ पे आई हुई है, आपका नाम बताइए। प्रोफेसर फिरदौस सिद्दीकी। प्रोफेसर, ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्रवक्ता हजरत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के ऊपर झूठा FIR दाखिल किया गया है उसके निषेध के लिए आए हैं और जो रिजवी है वो झूठा है और उसने मदरसों के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया है उसका हम निषेध करते हैं। और सज्जाद नुमानी साहब के ऊपर जो झूठा FIR दाखिल किया है वो वापस लेना चाहिए, इस बात के समर्थन के लिए हम यहाँ पर आए। थैंक यू। और इस देश में आपकी जो मुस्लिम बहनें हैं हमारी उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
हमारी मुस्लिम बहनों को तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे ऊपर जो झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं और हमसे जो संविधान ने जो अधिकार दिया है हमको, वो अधिकार जो छीनना चाहिए उसके लिए अब हमें भी खड़े रहने चाहिए। ये टाइम आ चुका है और यही सही समय है कि जब हम हमारे जो संविधान ने अधिकार दिया है वो हासिल करने के लिए अब हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमसे हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। शुक्रिया, इंशाल्लाह ऐसा ही कुछ होगा, आमीन। हम लोग इस आशा और विश्वास के साथ ये करते हैं कि आने वाले दिनों में शायद ये बहन ने हमारी जो चाहिए है वो शायद होगा। यहाँ पे हमारी कुछ और बहनें आई हुई है, आप में से कोई भाई देगा? आप में से कोई भाई देगा? दोस्तों एक घोषणा में यहाँ पे क्यों आए हूँ, आज घोषणा जो है वो मैं हर कार्यक्रम में देता हूँ, तो आप लोगों के देने हैं। जितनी जोर से मैं घोषणा दूंगा उतने जोर से जबल का आपका, हाँ, आपका नाम बताइए। निखत जाकिर खान, यहाँ पे क्यों आए हो आप? जो सज्जाद नौमानी के खिलाफ जो आवाज उठाई जा रही है कि ये आतंकवादी है, असल में वो नहीं है, वो जो है देश को बहुत पसंद करते हैं और इस्लाम की दावत वो हर मजहब को देना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। देश में जो अभी हालात चल रहे हैं तो हमारी मुस्लिम बहनों को क्या मैसेज देना चाहोगे? ये चैनल इंटरनेशनल और नेशनल में देखा जाता है, तो अपने मुस्लिम बहनों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मुस्लिम बहनों को ये मैसेज है कि वो सब एक साथ मिल जाए और हर जगह जो है वो ये प्रचार करे कि इस्लाम जो है कोई तरह का तासुब नहीं सिखाता, वो हर जगह मोहब्बत और खुलूस के साथ रहना पसंद करता है, और इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो तमाम मजाहिब को एक जैसे समझता है और कोई देश द्रवी का इसके अंदर कोई दखल नहीं है।